Oh,
अपना स्थान ग्रहण करें। Thank you.
जीवन के ऊपर है, तो कृपया ध्यान से सुने। पहली दो पंक्तियों से ही आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे थे हमारे जाट योद्धा महाराजा सूरजमल। मुगल झुके झुके अंग्रेज, मुगल झुके झुके अंग्रेज, निर्भीक ऐसा कपाट था, चलने से जिसके हिलती थी धरती, वो सूरजमल जाट था, वो सूरजमल जाट था। ऐसे महान योद्धा का जन्म भरतपुर रियासत में 13 फरवरी 1707 महाराजा बदन सिंह व महारानी देवकी के गर्भ पर हुआ। यह बचपन से ही सूरवीर व पराक्रमी थे। जैसे जैसे ये बड़े हुए, इनकी लंबाई 7 फीट 2 इंच, वजन 150 किलो व दोनों हाथों से तलवार चलाने में निपुण थे। और ऐसे वीर योद्धा को देखते ही सामने दुश्मन के पसीने छूट जाया करते थे। ऐसे थे हमारे जाट योद्धा महाराजा सूरजमल। जब इनके पिता महाराजा बदन सिंह की मृत्यु हुई, तब इनका राज्याभिषेक होते ही इन्होंने अपनी रियासत को आगरा व ब्रज देश तक फैला दिया और अपने ही रियासत में लोहागढ़ किले का निर्माण कराया, जहां पर दिल्ली से दरवाजे उखाड़ लाए और रख दिए इस लोहागढ़ किले में। यह एकमात्र किला है जो पूरे विश्व भर में कभी भी नहीं जीता जा सका और अजय किले के नाम से जाना जाता है। इस किले के लिए विश्व भर में दो पंक्तियां प्रसिद्ध है, 8 फिरंगी 9 गोरे, 8 फिरंगी 9 गोरे लड़े किले के दीवार पर खड़े जाट के वो दो छोरे। महाराजा सूरजमल के जीवन का सबसे बेहतरीन पल तब आया जब उन्होंने 1753 में अफगानी शासक नवाब गाजी उद को हरा कर एक बार फिर दिल्ली फतेह करके बता दिया कि यह हमेशा दिल्ली जाटों की बहू थी और बहू रहेगी। महाराजा के जीवन का अंतिम समय तब आया जब हिंदुस्तान में कुर अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का प्रवेश हुआ और चारों तरफ लूटमार मचने लगी और हिंदुस्तान की बहन बेटियों को अफगानी देशों में बेचा जाने लगा। ऐसी हिंदुस्तान की हालत देखकर ऐसे वीर योद्धा हिंद के शासक से रहा न गया और उन्होंने पानीपत की भूमि पर उस कुर अफगानी शासक की विशाल सेना को ललकार डाला। इस ललकार के साथ ही अहमद शाह अब्दाली अपनी विशाल सेना के साथ महाराजा सूरजमल के सामने आ खड़ा हुआ और कहा, आओ लड़ो। और तो सूरजमल के साथ इस युद्ध में मराठा व राजपूत सैनिक भी थे, परंतु बीच युद्ध में ही उनका जमीर मारा गया। बीच युद्ध में ही उनका जमीर मारा गया। वो कुछ रुपयों के लिए उस सूरज का साथ छोड़ गए और हिंदुस्तान को बेच दिया उन अफगानों के हाथों में। बचे कुछ मुट्ठी भर सैनिकों के साथ वो महान योद्धा 3 साल तक संघर्ष करते करते 25 दिसंबर 1763 को वीर गति को प्राप्त हो गए। महाराजा सूरजमल तो वीर गति को प्राप्त हो गए, पर उनके दरबार कवि की कुछ पंक्तियां पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। वो पंक्तियां यूं थी कि सूरज तो चला गया, एक प्रश्न अभी भी जिंदा था, एक प्रश्न अभी भी जिंदा था, सूरज तो चला, ध्यान से सुनिएगा, सूरज तो चला गया, लेकिन एक प्रश्न अभी भी जिंदा था। इन सकल नरेशों की क्रकृत्यों पर ये हिंद सकल शर्मिंदा था। उस समय अगर कुछ रजवाड़े सूरज का साथ निभा जाते तो हम सब पानीपत में ही दिल्ली को दुल्हन बना जाते, अफगानों पर मिलती विजय पर कुछ अपनों से ही यार गया। इन कुछ गिद्दड़ वंशों की गद्दारी अपने सूरज को हंसता गया। हे सूरज, हे नाज हमें तुम पर, हिंद के उस बाहुबल पर भक्तों का स्वीकारो वंदन, हे नाज हमें तुम पर। बोल वीर शिरोमणि जाट योद्धा महाराजा सूरजमल की, बोल सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन जाट रामलाल जी जाट नाई का ढाणा, पवन जाट रामलाल जी जाट नाई का ढाणा, इन्होंने 12वीं में 85.80 यानी 86% प्राप्त किए हैं।
जोरदार तालियां बजा दे रहो भाई, इनका उत्साह वर्धन करते रहो। जिमने वाले नहीं बजा पाएंगे, कोई बात नहीं आपको। दुष्यंत जाट भगवान लाल जी जाट फलीचड़ा, दुष्यंत जाट भगवान लाल जी जाट फलीचड़ा, इन्होंने 12वीं में 80% अंक प्राप्त किए, 79.80 80% अंक प्राप्त किए। अरे इनका सम्मान ही तो बहुत बड़ी चीज है, इन्होंने कितनी मेहनत की होगी तब इतने प्रतिशत बनाए होंगे। कोमल कुमारी जाट रतन लाल जी जाट खटुकड़ा 12वीं में 84.80% 84.80 यानी 85 हो गए। कोमल कुमारी जाट रतन लाल जी जाट खटुकड़ा 12वीं में 85% इसने प्राप्त किए हैं, कोमल को बहुत बहुत बधाई। विजय कुमार जाट हीरा लाल जी जाट उदयपुर, विजय कुमार जाट हीरा लाल जी जाट उदयपुर, इन्होंने 12वीं में 86.80 यानी 87% अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अतिथियों से निवेदन है, इन प्रतिभाओं का आप सम्मान करें, स्वागत करें, अभिनंदन करें। रेखा जाट मांगीलाल जी जाट, रेखा जाट मांगीलाल जी जाट सालोर, इन्होंने 12वीं में 88.40 यानी 90% में 1% कम। जोरदार तालियां इस बालिका के लिए। भागीरथ जाट बेरूलाल जी जाट मोरठ, भागीरथ जाट बेरूलाल जी जाट मोरठ, इन्होंने 12वीं में 87.60% यानी 88% प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा जाट चतुर्भुजी जाट भावली, पूजा जाट चतुर्भुजी जाट भावली, इन्होंने 12वीं में 92.60 यानी 93% हो गए, पूजा जाट। और एक घोषणा और थी कि जो भी 90% से ऊपर लाएगा उसको 500 रुपये सवाई राम जी रामी वालों के घर से जा रहे हैं, तो पूजा ने 92% बनाए तो इसको 500 रुपये सवाई राम 84.20 यानी लगभग 85% बनाए हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सोनू जाट नाथूलाल जी जाट फतेहपुरा 100% बनाए हैं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही कंचन जाट सवाई राम जी जाट थामला 12वीं में 81, कंचन जाट सवाई राम जी जाट थामला 12वीं में 81% नहीं है। कोमल जाट रमेश चंद्र जी जाट गोर्धनपुरा, कोमल आ जाए। और भगवान लाल जी जाट फलीचड़ा मंच के पास आ जाए। शुभम जाट एक शुभम जाट भगवान लाल जी जाट फलीचड़ा 10वीं में 85.67 86% अंक बनाए हैं, जोरदार तालियां इस बालक के लिए। रवीना जाट हीरा लाल जी जाट चंगेरी, रवीना जाट हीरा लाल जी जाट चंगेरी, रवीना जाट आ जाए, रवीना जाट हीरा लाल जी जाट चंगेड़ी नहीं हमी, इसने 10वीं में 91.33 90 से भी ऊपर है, 91.33% अंक प्राप्त किए, इसको भी 500 रुपये पारितोषी। सवाई राम जी रामी और दिनेश जी जाट साले पायल चौधरी सुरेश कुमार जी चौधरी मुंडोल कहीं नहीं है, इसने 12वीं 10वीं में 80.67 यानी लगभग 81% अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई। ईशा जाट को बहुत बहुत बधाई, नीलोद से हैं। राजेंद्र जाट चतुर्भुजी जाट बावली, राजेंद्र जाट चतुर्भुजी जाट बावली, इन्होंने 10वीं में 87% अंक प्राप्त किए हैं, अजय राजेंद्र जाट। केशवराजी जाट ढीली, इन्होंने 10वीं में 76.50% अंक बनाए हैं। कुलदीप जाट कालूराम जी जाट बड़ियार, कुलदीप जाट कालूराम जी जाट बड़ियार, इन्होंने 10वीं में 78.83% अंक बनाए हैं। कोमल जाट माधवलाल जी जाट रामी, कोमल जाट माधवलाल जी जाट रामी, इसने 10वीं में 81% अंक प्राप्त किए हैं, बहुत बहुत बधाई इन सभी प्रतिभाओं को, बहुत बहुत बधाई। लवीश जाट राजेश जी जाट मावली, लवीश जाट राजेश जी जाट मावली, इन्होंने 10वीं में 80% अंक प्राप्त किए हैं,
लवीश जाट, राजेश जी जाट मावली 10वीं में 80% अंक प्राप्त किए। आरती जाट, नारायण लाल जी जाट फलाना खुर्द, आरती जाट नारायण लाल जी जाट फलाना खुर्द, आरती जाट नारायण लाल जी जाट फलाना खुर्द 10वीं में 88% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। गोपाल जाट शंकर लाल जी जाट बनेड़िया, गोपाल जाट शंकर लाल जी जाट बनेड़िया 82.50% अंक प्राप्त किए हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोपाल जाट लालू राम जी जाट दिल्ली, गोपाल जाट लालू राम जी जाट दिल्ली 83.67% अंक प्राप्त किए हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नारायण जी से निवेदन मंच पर बता रहे निकिता जाट लक्ष्मण जी जाट धामला, इसने 10वीं में 74.80 अंक प्राप्त किए हैं। निकी समाज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मीना जाट वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी जाट सालेरा खुर्द, आपने जाट समाज का नाम रोशन किया है। मीना जाट ओम प्रकाश जी जाट सालेरा खुर्द, आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तो एक बार जोरदार तालियां इसके लिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मांगीलाल जी जाट चंगेड़ी, प्रकाश जी जाट मांगीलाल जी जाट चंगेड़ी, आपका व्याख्याता के पद पर ज्वाइन हुआ है और हाल ही में अभी 1 तारीख को जिन्होंने ज्वाइन किया है, व्याख्याता एग्रीकल्चर रेल मगरा में ज्वाइन किया है, आपको जाट समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको खूब उन्नति मिले। हीरा लाल जी जाट रामलाल जी जाट छपरा, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर इनका चयन हुआ है। हीरा लाल जी जाट जाट धामला, इनका BHMS में डॉक्टर के पद पर चयन हुआ है। काजल जाट डॉक्टर ऑफ रामलाल जी जाट BHMS में, आप रामलाल जी जाट के सुपुत्री हैं और आप उनके प्रतिनिधिरा चौधरी डॉक्टर ऑफ लक्ष्मीलाल जी जाट खेमपुर आ जाएं, उनके परिवार से कोई हो तो आ जाएं। आपका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रमेश चंद्र जी जाट शंकरलाल जी जाट रोड़ी, इनका माजगांव डॉक शिप बिल्डर्स में LSCAR के पद पर चयन हुआ है। रमेश चंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में उनका प्रमाण पत्र और रक्षा विभाग के अंतर्गत है, LSCAR के पद पर आपका चयन हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विदुषी चौधरी डॉक्टर ऑफ सुरेंद्र सिंह जी चौधरी सम्मान स्वीकार करते हुए, आप स्वयं भी वरिष्ठ अध्यापिका है, मावली का इनका पीयर है उदयपुर ससुराल और मावली में इनकी पोस्टिंग है नामरी में। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जाट बाबूलाल जी जाट बिशनपुरा, इसका पिछले वर्ष ट्रिपल जंप में राज्य स्तर पर भाग लिया था, इसने स्टेट लेवल पर ट्रिपल जंप में खेल के आया था, ये हमारे विद्यालय का विद्यार्थी है। लगभग बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितेंद्र जाट बाबूलाल जी जाट बिशनपुरा, बेस्ट ऑफ लक। रमेश चंद्र जी चौधरी मावली, करण जाट रमेश चंद्र जी चौधरी मावली चौधरी, आपने कबड्डी में नेशनल स्तर पर कबड्डी खेली है, राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी में भाग लिया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पेश जाट राजेंद्र कुमार जी जाट मावली, कल्पेश जाट राजेंद्र कुमार जी जाट मावली, आपने भी नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी खेल में प्रतिनिधित्व किया है, आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। कल्पेश जाट राजेंद्र कुमार जी जाट मावली, नहीं है क्या? अनिता जाट वाइफ ऑफ मुकेश जी जाट बड़ियार, अनिता जाट वाइफ ऑफ मुकेश जी जाट बड़ियार, इन्होंने बीएड में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। नागर जो विद्यापीठ विश्वविद्यालय है उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, उनके प्रतिनिधि के रूप में माधव जी उनका प्रमाण पत्र स्वीकार करते हुए। सुरेश जाट मांगीलाल जी जाट मावली, सुरेश जाट मांगीलाल जी जाट मावली, मावली के कॉलेज में आप उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। जाट समाज की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई, आप आगे बढ़ें, समाज का गांव का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
माधवलाल जी चौधरी बिशनपुरा, आपने जिला स्तर पर उत्कृष्ट किसान के रूप में, किसान गांव में और इन्होंने उत्कृष्ट किसान का सम्मान प्राप्त किया है। उदयपुर जिला स्तर पर आपको किसान का सम्मान मिला है। आपको अपने जाट समाज की ओर से, मावली जाट समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सालेरा खुर्द, शंकरलाल जी जाट सालेरा खुर्द, आपसे निवेदन है पधारे मंच के पास आ जाएं। शंकरलाल जी जाट सालेरा खुर्द, मार साहब शंकरलाल जी जाट सालेरा खुर्द, आपने उत्कृष्ट कार्य हेतु 15 अगस्त को, ये जो गया 15 अगस्त, उस 15 अगस्त को उपखंड मुख्यालय पर आपको सम्मानित किया गया, एसडीएम साहब के द्वारा आपको सम्मानित किया गया। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रशेखर जी चौधरी, चंद्रशेखर जी चौधरी सालेरा खुर्द, आपको 26 जनवरी 2022 को उपखंड स्तर पर सम्मानित किया। आपको भी जाट समाज की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। चंद्रशेखर जी चौधरी से निवेदन है पधारें, जाट समाज आपका सम्मान करना चाहता है। चंद्रशेखर जी चौधरी सालेरा खुर्द के निवासी हैं। 26 जनवरी को आपको एसडीएम साहब के कर कमलों से सम्मानित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट शिक्षक के रूप में आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। सोनलाल जी जाट, रूपलाल जी जाट मोरडी, आज ही सोन जी को आज ही ब्लॉक लेवल पर बेस्ट टीचर अवार्ड मिला है। बेस्ट टीचर अवार्ड राजस्थान सरकार की ओर से आज ही मिला है उनको। तो सोन जी का भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, आप पधारे। जाट समाज की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान, स्वागत अभिनंदन। साथ ही किशनलाल जी जाट पलाना, आपने समाज सेवा के क्षेत्र में हमारे समाज के लिए बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। पलाना किशनलाल जी जाट, आपका भी जाट समाज की ओर से स्वागत सम्मान अभिनंदन। जय तेजा जी महाराज की। सरकार के द्वारा इनको सम्मानित किया गया ब्लॉक स्तर पे। भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चले और इसी बीच में अपने भामाशाहों का भी सम्मान किया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, आमंत्रित करना चाहूंगा प्रकाश चंद्र जी जाट, शंकरलाल जी जाट फलीचड़ा खेड़ी, आपका पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है, आए और अपना सम्मान स्वीकार करें। प्रकाश चंद्र जी जाट, शंकरलाल जी जाट, आज की सील खोल के सहयोग किया है, उनका सम्मान भी हम करना चाहते हैं जाट समाज मावली की ओर से। सर्वप्रथम ये जो आज की भोजन व्यवस्था है, बोलिए वीर तेज महाराज की जय। तेज आवाज में बोलिए वीर तेज महाराज की जय। आज हम जाट समाज मावली द्वारा आयोजित तेजोदशमी महोत्सव एवं शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मोती समना, उजला चंदन समना, काट तेजा समना, देवता पर में कर दे ठाट। वीर तेजा महाराज के जीवन का परिचय। तेजा जी का जन्म विक्रम सन 1130 महान सूरी 14 को खरनाल नागौर में हुआ। तेजा जी के पिता का नाम सावर जी था। तेजा जी की माता का नाम राम गवरी था। तेजा जी की पत्नी का नाम पेमल था। तेजा जी का ससुराल पनेर था। तेजा जी की बहन का नाम राजल था। तेजा जी की घोड़ी का नाम लीलन था। विक्रम गति की वह विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी को किशनगढ़ के पास सुसुरा में के पास आप के डसने से हुई। शिव शंकर रो है अवतारी ताहड़ जी रो लाल, राम कबरी रो पुत्र लाड़ो गाया रो गोपाल। इसका मतलब है कि तेजा जी गाय बचाने गए, वचन निभायो साहब रो जैसे साहब ने के डसने से। लेरी लाजी जाट खेमपुर, लेरी लाजी जाट खेमपुर, लेरी लाजी जाट खेमपुर, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में साफे उपरने स्वागत से संबंधित जो भी साफे उपरने हैं उनका आपने व्यवस्था की है। लेरी लाजी जाट